बिल्कुल अलग थी। उस बार भी सिक्योरिटी, पार्लियामेंट सिक्योरिटी की गाड़ी लगाकर, संसद की के खास स्टिकर लगाकर वो एक एम्बेसडर अंदर घुस आई थी। लेकिन अब उन तमाम चीज़ों को दूर कर दिया गया है, लेकिन फिर भी अब इतने लेवल पे सिक्योरिटी है, मैं आपको बता दूं, अगर मेन गेट से भी आप घुस रहे हैं तो आपके पास बनने के पहले ही आपको दो लेवल सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है। वहाँ पे आपकी पूरी जांच होती है, आपकी पूरी बॉडी स्कैनिंग होती है, उसके बाद पास बनता है। पास बनने के बाद जब पास दिखाकर अंदर, लास्ट टाइम लास्ट सेशन में इतनी महिलाओं की संख्या को लेकर आ रहे थे, कौन साइन कर रहा था, वो लोग नारेबाजी कर रहे थे मोदी जी के लिए। मैंने तभी भी कहा सिक्योरिटी चेक होनी चाहिए, पुख्ता होनी चाहिए। टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, इन द मदर ऑफ डेमोक्रेसी पे इस तरीके का हमला होता है, ये दिखाता है सिक्योरिटी ब्रीच है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और थोड़ी मैं मानती हूँ सख्ती बरतनी चाहिए, जिस तरीके से भारी संख्या में विजिटर्स आते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी को आप सुन रहे थे, वो कह रही हैं कि कोई कंट्रोल नहीं है, सुरक्षा यहाँ पर कड़ी होनी चाहिए। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल AK श्रीवास भी मौजूद है, लेकिन पहले अमिताभ सिन्हा का रुख करेंगे। अमिताभ, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल, मैं इतने उसके बाद संसद के अंदर आकर भी ऐसा नहीं है कि आप सीधे पास लेकर दर्शन दीर्घा में चले गए। वहाँ भी दो स्तरों पे फिर से सिक्योरिटी जांच होती है, और हाउस में घुसने के पहले भी पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी होती है, जिसे कभी वॉच एंड वार्ड स्टाफ कहा जाता था, वो भी तभी मैंने आपको शुरू में कहा कि आपकी जेब से रुमाल कॉइन तक निकाल लिए जाते थे। मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, ऊपर एक बुजुर्ग ने जैसे ही एक कागज़ फेंककर कुछ नारे लगाने की कोशिश की, उसी ग्रुप में बैठे सादी वर्दी में बैठे सुरक्षा कर्मियों ने, वॉच एंड वार्ड स्टाफ ने विद इन सेकेंड्स उसको काबू में कर लिया और उसको वहां से गायब कर दिया। बाद में पता चला वो विक्षिप्त पुरुष था, वो उसको कुछ विरोध वहां जताना था और किसी बिहार के MP के साइन पर वहां पर आया था। तो ऐसी कुछ घटनाएं विरोध के लिए होती हैं, लेकिन उसके लिए भी सरकार और संसद के अंदर जो कस्टोडियंस हैं वहां पर वॉच एंड वार्ड स्टाफ रखते हैं, वहां पर सादी वर्दी में सिक्योरिटी वाले भी रहते हैं जो उन्हीं दर्शकों के बीच बैठे रहते हैं, और उनकी हरकतों को देखकर अगर थोड़ी भी हरकत हुई, अगर आप पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर भी बैठ गया, हिलने की कोशिश की, तो वहाँ हिलने नहीं देते हैं क्योंकि आप स्पीकर की कुर्सी के सामने होते हो। तो जब हिलने भी नहीं दिया जा रहा है तो इन युवाओं ने कैसे ऊपर से कूदे होंगे और कैसे उनको झांसा दिया होगा, ये भी सोचने की बात है। ठीक है अमिताभ, रहिए हमारे साथ। दरअसल लोकसभा की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है, सुरक्षा घेरा तोड़कर अचानक दो लोग अंदर कूदते हैं, सदन की कार्यवाही के समय ये दो लोग कूदते हैं और बकायदा जूते में केमिकल लेकर के जाते हैं, स्प्रे करते हैं, पीला धुआं नजर आता है। जो टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी टेलीविजन सेट ऑन किया है News18 India पर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, संसद हमले की बरसी के दिन ऐसा हुआ है। हालांकि दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन फिर भी जो सांसद थे, क्योंकि जो दर्शक दरगाह होती है, विजिटर्स गैलरी, वहां से कैसे कूदते हैं ये लोग, और पकड़ो पकड़ो के नारे यहां पर आवाजें सुनाई देती है, सांसद ऐसा बोलते हैं, इसके बाद इन लोगों को हिरासत में लिया जाता है। लेकिन सोची समझी साजिश के तहत ये लोग अंदर, यहां पर देखिए इस तरीके के जो टियर स्मोक स्प्रे को इस्तेमाल किया गया था, और फॉर यूज इन सुपरविजन इन एरिनाज ओनली, और ये कलर स्मोक इस पर लिखा हुआ है। देखिए ये पूरी तस्वीरें यहाँ पर, ये देखिए मेड इन चाइना या प्रोडक्ट है, और ये क्रिएटिव कलर स्मोक है, इसी के जरिए पीले रंग के स्मोक को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था। दो तरीके के स्मोक को, दो कलर के स्मोक को इस्तेमाल किया गया था, एक पीले रंग के और एक लाल रंग के स्मोक को। और जहाँ तक देखिए ये पूरी बनावट देखिए, टाइप कलर स्मोक कलर येलो और क्रिएटिव है, और इसमें मेड इन चाइना लिखा है। देखिए ये तस्वीरें यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें News18 India पर आप देखिए, और इसी स्मोक जो भी हम उपकरण कहते हैं, यहाँ पर आग संसद भवन से यहाँ पर स्मोक फेंका गया था, स्मोक टियर किया गया था, और इसे देखिए हम अगर हिलाएं तो अंदर से ये पाउडर भी नज़र आ रहा है। तो ये बेहद अहम जो चीज़ें हैं, ये तस्वीरें हैं News18 India के कैमरे पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसकी कोई लंबाई भी ज़्यादा नहीं है। आप कितनी संख्या में इसको यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, किस मकसद से इस्तेमाल किया गया, जांच एजेंसियाँ इस पर आप पता लगाएंगी। लेकिन ये इस तरीके के जो चीज़ है उसको लेकर अंदर घुसे, और इसके जरिए जो कलर्ड धुआं है वो स्प्रे करने की कोशिश की गई, अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई। जी ठीक है अमित, लौटेंगे हम आपके पास, रवि का सीधा रुख करेंगे। रवि, आपकी मौजूदगी कहाँ है और क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखे पार्लियामेंट के ठीक पास में और इस जगह पर भी दो युवक जो लगातार नारेबाजी कर रहे थे, और
पार्लियामेंट की जो कार्यवाही उस समय चल रही थी, दो युवक अचानक विजिटर गैलरी से कूद पड़ते हैं और उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर सांसद बैठे हुए थे। वो उस जगह पर जहां पर सांसद बैठे हुए, सबसे पहले सांसदों ने ही उस दोनों युवकों को पकड़ने की कोशिश की और सबसे बड़ा सवाल इस समय यही हो रहा है कि आखिर में केमिकल्स लेकर कैसे घुसे हैं, क्योंकि पार्लियामेंट की जो सुरक्षा होती है वो बहुत ज्यादा चाक चौबंद होती है, बिल्कुल किले के रूप में तब्दील होती है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भवन केंद्र सरकार का मंत्रालय और इस जगह पर तमाम अपडेट के बीच लगातार हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस शख्स को पकड़ा था, आरोपी जो अंदर घुस गया था, आप तस्वीरों में देखिए लाल घेरे के अंदर, सांसद मलुक नगर ने भी आरोपियों को पकड़ा था। ये अपडेट हम आपको पहले भी दे चुके हैं लेकिन बड़ी अपडेट एक बार फिर से बता दें, संसद की कार्यवाही के दौरान दो लोग कूदे थे और सांसद हनुमान बेनीवाल ने आरोपियों को पकड़ा था और सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ साथ मलुक नागर ने भी आरोपियों को पकड़ा था। तो सदन की कार्यवाही के समय ये दो लोग कूदे थे, तस्वीरें आप देखिए, सांसद पकड़ो पकड़ो कहते हैं, सांसद हनुमान बेनीवाल जो कि इन आरोपियों को पकड़ते हैं, इनको अब हिरासत में लिया गया है। एक तो सांसद हनुमान बेनीवाल है, दूसरे मलुक नागर है जिन्होंने आरोपियों को पकड़ा। तो संसद पर अटैक की बरसी पर ये जब वाकया पेश आता है तो जाहिर तौर पर चिंताएं होती हैं। लेकिन ये लाल घेरे के अंदर आप देखिए, एक रो से दूसरे रो, दूसरे रो से तीसरे रो में कूदता है, लेकिन उससे पहले अपने जूते से ये कुछ निकालता है और उसके बाद निकालने के बाद जूते को दोबारा पहनने की कोशिश करता है और तमाम जो सांसद होते हैं उनमें अफरा तफरी मच जाती है और पकड़ो पकड़ो की आवाजें सुनाई पड़ने लगती है। हनुमान बेनीवाल इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, इसके अलावा हनुमान बेनीवाल के अलावा मलुक नागर जो इनको पकड़ते हैं, अब ये देखिए स्प्रे है ये जो हाथ में है, ये पीला स्प्रे, उसके बाद धुआं होता है। अब आप पूरा ये माहौल देख लीजिए, ये संसद के अंदर की तस्वीर है जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। यहां पर आज एक ऐसी घटना घटी जो बड़ी चूक कहा जाएगा। यही वो शख्स है जो कि दर्शक दीर्घा से इस तरफ विजिटर्स गैलरी होती है अंदर पहुंचता है और फिर ये सब यहां पर होता है। एक बार फिर से लोकसभा की कार्यवाही जो जांच की